नमस्कार मित्रों, हम जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपके किसी भी एग्जाम में, किसी प्रकार का एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, सभी में आते हैं। जैसे RSAT एग्जाम है उसमें आते हैं, यदि RSAT इंटरनल एग्जाम है उसमें तो 100% यानी कंप्लीट ही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, किसी टाइप का कंप्यूटर एग्जामिनेशन हो, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। इसके जस्ट बराबर में एक बेल ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, जैसे और भी मोस्ट क्वेश्चंस की आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच सके और भी कोई कंप्यूटर संबंधित न्यूज हो वो आपके आसानी से पहुंच सके, जिसमें आपके एग्जामिनेशन में सहायता मिल सके। ये आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मोस्ट क्वेश्चंस के। इसमें पहला प्रश्न है कि सेल के अक्षरों काउंट करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है। इसमें लैन फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा अक्षरों को हम काउंट कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा डी, लैन और ब्रैकेट ओपन B2 ब्रैकेट क्लोज। प्रश्न नंबर 2, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन होता है XLS, एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन होता है XLSX और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन होता है XLSX। इस प्रकार इसका आंसर आएगा डी, XLS, XLSX, XLSX। प्रश्न नंबर 3, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु कौन सा ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला है होल्ड टाइटल कमांड, दूसरा है स्प्लिट कमांड, तीसरा है फ्रीज पैन कमांड, चौथा है उन फ्रीज पैन कमांड। इसका आंसर आएगा सी, फ्रीज पैन्स कमांड। प्रश्न नंबर 4, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू या टैब में होता है। पहला है टूल, दूसरा है डेटा, तीसरा है फॉर्मेट, चौथा है एडिट। इसका आंसर आएगा बी, डेटा। प्रश्न नंबर 5, किसी सेल के दाएं तरफ के कुछ अक्षर अलग सेल में ले जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है। इसमें पहला है राइट, दूसरा है रिट, तीसरा है लेफ्ट, चौथा है टर्न। इसका आंसर आएगा ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल में चुने गए रो या कॉलम में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है। तो उसके लिए आता है इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज। तो उसके अनुसार इसका आंसर आएगा बी, MIN। प्रश्न नंबर 7, MS Excel टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है। कस्टम फिल्टर फंक्शन, गोल सीक, बूलियन ऑपरेटर, पिवोट टेबल। इसका आंसर आएगा बी, गोल सीक। प्रश्न नंबर 8, MS Excel में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक है। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्या का योग करना है अर्थात जोड़ना है तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त होगा। इसका फॉर्मूला आएगा सी, सम इफ ब्रैकेट ओपन A2 कॉलम A8 कोमा डब्लूटेड कोमा ग्रेटर देन 0 डब्लूटेड कोमा ब्रैकेट क्लोज। एक कॉलम में C2 से C7 तक औसत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है। पहला एवरेज, यानी इसका आंसर आएगा बी, इक्वल एवरेज C2 कॉलम C7 ब्रैकेट क्लोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। पहला है स्प्रेडशीट, दूसरा साधारण पेपर, तीसरा है वर्कशीट और चौथा है कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। इसका आंसर आएगा ए, स्प्रेडशीट। प्रश्न नंबर 11, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं। वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल, कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी, सेल।
क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित हैं वह सेल कहलाता है। A1 करंट सेल, एक्टिव सेल, डी एक्टिव सेल। इसका आंसर आएगा सी एक्टिव सेल। चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? पहला है फाइल, दूसरा है न्यू, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है चार्ट। इसका आंसर आएगा सी इंसर्ट। प्रश्न नंबर 14, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? पहला है कमेंट, दूसरा है इंडिकेटर, तीसरा है पिक्चर, चौथा है कुछ नहीं। इसका आंसर आएगा बी इंडिकेटर। इस प्रकार ये एक्सेल के 14 मोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम बात करेंगे एमएस वर्ड के मोस्ट क्वेश्चंस। निम्न में से कंट्रोल जेड किसकी शॉर्टकट की है? पहला है अंडू, दूसरा है पेस्ट, तीसरा है डिलीट, चौथा है कॉपी। तो इसका आंसर आएगा अंडू ए। अभी हम जो बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की मोस्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया है। प्रश्न नंबर 2, डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? पहला है सेव, दूसरा है सेव एज, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नोन। इसका आंसर आएगा पहला सेव। प्रश्न नंबर 3, के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट के किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? पहला है लिंक, दूसरा है हाइपरलिंक, तीसरा है डेटाबेस, चौथा है होम। इसका आंसर आएगा बी हाइपरलिंक। प्रश्न नंबर 4, वर्ड में एक फाइल कहलाती है डॉक्यूमेंट, दूसरा टेम्पलेट, तीसरा डेटाबेस, चौथा है फॉर्म। इसका आंसर आएगा डॉक्यूमेंट। वर्ड की फाइल को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है। पहला है टेबल, दूसरा है क्लिपबोर्ड, तीसरा है इंडेक्स, चौथा है टेबल ऑफ कंटेंट। इसका आंसर आएगा डी टेबल ऑफ कंटेंट्स। प्रश्न नंबर 6, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर में बदल गया है। पहला है एरो, दूसरा है बीम, तीसरा है पेंट ब्रश, चौथा है ब्लैक एरो। इसका आंसर आएगा सी पेंट ब्रश। प्रश्न नंबर 7, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिर्फ आधा सक्रिय नहीं दिखता है, या एप्लीकेशन बंद हो जाता है, या सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक मूव हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक रिमूव हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, टाइम न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री के प्रकार हैं फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी फॉन्ट। प्रश्न नंबर 9, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, होम लेटर, ब्रोशर, फैक्स एवं व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। पहला है सही, दूसरा है गलत। इसका आंसर आएगा ए सही। आप अगला क्वेश्चन 10, प्रश्न नंबर 10, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेल मर्ज फीचर का प्रयोग करके उनके लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। पहला है ए यानी सही, दूसरा है बी गलत। इसका आंसर आएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेस्ट सेंटर में टाइप होंगे। पहला है सही, दूसरा है गलत। इसका आंसर आएगा गलत यानी बी। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता? पहला है डिजाइन, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है होम, चौथा है फाइल। इसका आंसर आएगा ए डिजाइन। 13, इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? पहला है डॉक्यूमेंट 1,
दूसरा है डॉक्यूमेंट वन, तीसरा है ब्लैंक, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका आंसर आएगा ए, डॉक्यूमेंट वन। एमएस वर्ड में जो भी फाइल खोलते हैं या न्यू फाइल बनाते हैं, जो डिफॉल्ट से होती है वो होती है डॉक्यूमेंट वन के नाम से। इस प्रकार एमएस वर्ड के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के मोस्ट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। पहला है ए, स्त्रोत्र फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती। स्त्रोत्र फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज हो जाती हैं। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्त्रोत्र फाइल चेंज हो जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ए, स्त्रोत्र फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर टू, यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला है अंडू बटन दबाएं, दूसरा है कंट्रोल जेड बटन दबाएं, या कंट्रोल जेड बटन दबाएं और अंडू बटन, दोनों में से कोई सा बटन दबाएं, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी, कंट्रोल जेड बटन या अंडू बटन, कोई सा भी एक दबाएं। क्वेश्चन नंबर थ्री, मोशन पाथ क्या है। पहला है स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, तीसरा है एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि, चौथा है दिए गए सभी। इसका आंसर आएगा एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि। क्वेश्चन नंबर, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट हैं। पहला है कस्टम ट्रांजिशन, दूसरा स्लाइड ट्रांजिशन, तीसरा है कस्टम एनिमेशन, चौथा है स्लाइड एनिमेशन। इसका आंसर आएगा बी, स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर फाइव, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए क्या तरीका है। फाइल टाइप में क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक करें। पावर पॉइंट के शीर्ष पर राइट साइड सबसे ऊपर छोर में उपलब्ध क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग कर सकते हैं, दिए गए सभी। इसका आंसर आएगा डी, दिए गए सभी सभी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 को दबाना और स्लाइड शो मेनू से न्यू शो ऑप्शन को चुनना दोनों से, या स्लाइड शो मेनू से रिचार्ज टाइम को चुनना, या स्लाइड शो मेनू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, या F5 दबाना। इसका आंसर आएगा ए, F5 को दबाना और स्लाइड शो मेनू से न्यू शो ऑप्शन को चुनना दोनों। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फील इफेक्ट बदलना। दूसरा है स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पिक्चर या चित्र का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। चौथा है दिए गए सभी। इसका आंसर आएगा डी, दिए गए सभी। अब प्रश्न नंबर एट, किस टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। पहला है एडिट, दूसरा है फाइल, तीसरा है व्यू, चौथा है इंसर्ट। इसका आंसर आएगा डी, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रेजेंटेशन में विद्वान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, आउटलाइन व्यू, स्लाइड लेआउट विकल्प, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। इसका आंसर आएगा डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर टेन, एनिमेशन टैब में चार कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं। प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग और कलर, फॉन्ट स्टाइल, डिजाइन दोनों। प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग, कलर, फॉन्ट स्टाइल, डिजाइन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी, प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किस के उपयोग हेतु यूज किए जाते हैं। पहला है स्लाइड को सेव करने हेतु, दूसरा जानकारी और डेटा सूचना को चित्र, ग्राफ, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु, न्यू स्लाइड बनाने हेतु, स्लाइड को डिलीट करने हेतु। इसका आंसर आएगा बी, जानकारी और डेटा सूचना को चित्र, ग्राफ्स और एनिमेशन आकृति के द्वारा दर्शाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 12, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। पहला है चार शो, दूसरा स्लाइड शो, तीसरा है पिक्चर शो, चौथा है टेक्स्ट शो। इसका आंसर आएगा स्लाइड शो, बी।
क्वेश्चन नंबर 13, दिखाए गए चित्र में से कौन सा टैब इस्तेमाल हो रहा है? पहला है इंसर्ट टैब, दूसरा है होम टैब, तीसरा है रिव्यू टैब, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ए, इंसर्ट टैब। इस प्रकार एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तीनों को मिला के 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो कम्प्लीट हुए हैं। और भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। आप सभी को धन्यवाद।